जन विकास आवाज में मैं संतोष जायसवाल, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। एक गहरा दुख, गहरी भावनाओं के साथ जन विकास आवाज संवेदना व्यक्त करता है। जन विकास आवाज के कानूनी सलाहकार श्री जेवियर मूसा डेविड साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। 22 जुलाई 2020 को मुंबई के जसलोक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 74 वर्ष के थे। जेवियर डेविड साहब एक गरीब आदमी के नेता के रूप में फिल्म जगत में मशहूर थे। सन 1965 से सिने जगत में ये नाम मशहूर हुआ। उन्होंने हमेशा से ही सिनेमा वर्कर की तकलीफ को दूर करने के लिए बहुत काम किए। इस कारण से सिने जगत के जो इम्प्लॉयज थे, जो कर्मचारी वर्ग था, वे लोग उनको मसीहा कहते थे। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस समय सिने वर्कर्स के साथ गलत व्यवहार होता था और उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, उस समय मिस्टर जेवियर डेविड साहब ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिने एम्प्लॉयज यूनियन में एक बड़ा योगदान दिया। अगर उनके करियर की बात करें, उन पर नजर डालें, तो लगभग 50 साल का अनुभव उनके साथ रहा। उन्होंने उस समय के मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन साहब, सलील चौधरी, नौशाद अली साहब, श्री प्यारेलाल शर्मा और काफ़ी लोग जो उनके नज़दीकी रहे। साथ ही उन्होंने मनहर उदास, शब्बीर कुमार, सुषमा श्रेष्ठा और टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनी के साथ भी काम किया। 80 के दशक में अलाइड मजदूर यूनियन में शामिल हुए, तब से केवल फिल्म उद्योग के श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। डेविड साहब के इस नेक काम के लिए बड़े समर्थन भी मिले, जिसमें मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, शत्रुघ्न सिन्हा और स्वर्गीय अमजद खान जी डेविड साहब की बड़ी तारीफ की। डेविड सर के इस कल्याणकारी काम के लिए जो उन्होंने फिल्म को के लिए किया, उसके लिए महाराष्ट्र के श्रम आयोग द्वारा सिने उद्योग के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उन्हें नामांकित किया गया, जो सिने श्रमिक के अधिकारों का दावा करता था। डेविड साहब का कारवा यही नहीं रुका। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज में 1998 से लेकर 1999 तक महासचिव पद पर काम किया। डेविड साहब के लिए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज में खास बात यह रही कि 1958 यानी कि 1958 जब वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज का फाउंडेशन हुआ था, तब से लेकर आखिरी जो 2018 में जो प्रेसिडेंट हैं अभी फेडरेशन के, उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री बाला साहेब ठाकरे जी और श्री वसंत दादा पाटिल जी जैसे दिग्गज लोगों के साथ काम किया। वे उनके गुरु और रोल मॉडल थे, जिन्होंने उन्हें कल्याणकारी संगठनों के लिए काम करने के लिए तैयार किया। सबसे बड़ी बात ये रही कि चित्रपट सेना का संविधान भी उन्होंने ही लिखा और इस लेखन ने उन्हें श्री उद्धव साहेब ठाकरे जी के संपर्क मिलाया। उन्होंने कैथोलिक चर्च के लिए काम किया और आर्कबिशप ऑफ बॉम्बे और बॉम्बे दूरदर्शन के लिए 15 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण भी किया। वे पेरी पिक्चर्स और मित्तल एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कानूनी सलाहकार भी रहे। प्रचार के लिए कभी दावा नहीं किया, लेकिन कहा कि आपका काम आपकी बात करेगा। आइए हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिस तस्वीर से आपको ये पता लग जाएगा कि वो अपने आप में एक मिसाल थे। अभी जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें एक शख्स दिखाई दे रहा है आपको। जी हाँ साथियों, ये शख्स आज के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी हैं, जिनके साथ में डेविड जी नज़र आ रहे हैं। श्रमिकों के प्रति उनके अटूट प्रेम ने उन्हें 24 घंटे सचेत रखा।
ऐसे महान अनकहे नायक को जन विकास आवाज सत सत नमन करता है, सत सत नमन करता है।